राजगृह पथ पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा एक गृहस्थ भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन छह दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा करके बतलाए कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। माता पिता और गृहपति पूर्व दिशा हैं, आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र और मित्र आदि उत्तर दिशा हैं, सेवक नीची तथा श्रवण ब्राह्मण ऊंची दिशा है। इनकी पूजा से लाभ होता है। गृहस्थ बोला, और तो ठीक भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना, सर झुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेहवात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्ञान कराया। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह-जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई, बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है, मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। मृत्यु के उपरांत क्या? एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलुक्य पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। मलुक्य पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई।